पटना साहिब के बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन यह मंदिर है माता सती चौरा, उनके हम लोग दरबार में, उनके प्रांगण में हम लोग पहुँच गए हैं। माता सती को बार बार हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे माँ, हम लोगों को भी अपना कृपा आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों का भी जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ आगे की ओर हम लोग बढ़ते रहें। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं माता जी का, जो देख रहे हैं। देखने से लग रहा है कि काफ़ी ये पुराना, ये भव्य, ये जो मंदिर है ये बहुत ही भव्य मंदिर है। ये चारों तरफ से लकड़ी का जो ये खंभा लगा हुआ है और गुंबद भी आप देख रहे हैं ऊपर में। हाँ, बड़ा दिव्य है, मनोरम ये जगह है। और अभी भी ये पुराने जो निशानियाँ हैं देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि लकड़ी का पूरा ये खंभा है और लकड़ी को आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है और ऊपर से खपड़ैल है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ हम लोग बहुत दिनों से नाम सुनते थे इस जगह का, लेकिन आज माता की कृपा से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ में दो योगाचार्य और जुड़ गए हैं, आदरणीय अजय जी और अपना क्या नाम बोलते हैं अखिलेश बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग तीनों आदमी माँ का दर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर इनकी कृपा निरंतर बनी रहे और हम लोग की जो मंगल कामना है, जो मनोकामनाएं हैं, वो सब पूर्ण हो और हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पीपल का वृक्ष देखिए कितना शानदार है, ये भी काफ़ी सैकड़ों साल पुराना लग रहा है पीपल का वृक्ष। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ और वृक्ष जो पीपल है ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं तो वहाँ पर पीपल का वृक्ष या नीम का वृक्ष लगाया जाता है ताकि वहाँ आकर के लोग आनंद लें और वहाँ बैठें तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में वो लें ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी पवित्र रहे। तो इन्हीं मान्यताओं को लेकर के हमारे पूर्वज यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी लगाए हैं, साथ में तुलसी जी का भी पौधा दिख रहा है। ये सारे दिव्य पौधे भी यहाँ पर हैं, पेड़ पौधे भी हैं। यहाँ अगल बगल के लोग आकर के यहाँ विश्राम भी कर रहे हैं और अपना आनंद ले रहे हैं। ये काफ़ी प्राचीन जगह है, चारों तरफ आप देख सकते हैं खाली जगह है। और तो ये माता जी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी माता जी के दिव्य दर्शन करें और आप सबके ऊपर भी माता जी का कृपा बनी रहे, उनकी आशीर्वाद बनी रहे। माता जी का दर्शन हम लोग नज़दीक से कर पा रहे हैं, ये सब हम लोग का सौभाग्य है।